हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ये खबर है 14 अगस्त को होने जा रही शहादत को सलाम कार्यक्रम में बनने वाली मानस श्रृंखला के बारे में। आपको बता दें, ये अपने आप में ही बड़ा ही अनोखा आयोजन माना जा रहा है, जिसके दौरान यातायात डायवर्जन होगा। काफी बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहादत को सलाम कार्यक्रम में आयोजित होने वाली श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन को लेकर ऊंचे स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने रविवार को जिला मुख्यालय पर शहादत को सलाम कार्यक्रम में आयोजित होने वाली मानस श्रृंखला की तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही कि देश के लिए समर्पण का संदेश देने और शहीदों को सलाम करने के लिए अधिक से अधिक आम जन से मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील करते हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे ने बताया कि बाड़मेर से गंगानगर करीब 700 किलोमीटर मानव श्रृंखला 14 अगस्त को सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई जाएगी। इसके लिए सारी उचित तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि मानव श्रृंखला में इंडियन आइडल में शामिल हो चुके बलोत्रा के कलाकार के अलावा स्थानीय कलाकार, गैर नृत्य दल, रंगोली और रंगीन गुब्बारे का समावेश होगा। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि मानव श्रृंखला के निर्धारित रूट पर 600 पुलिस कर्मी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को सांचौर के रास्ते रामजी का गोल से सिंधरी के रास्ते वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरह धोरी मन्ना और बाछड़ाव में भारी वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। उनके मुताबिक बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चौहटन चौराहे से जैसलमेर के रास्ते पर जाने वाली वाहनों को सुबह 10:30 बजे से रोक दिया जाएगा। इस दौरान सिर्फ मानव श्रृंखला के लिए निर्धारित वाहन जा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे से और सिंधरी चौराहे से आगे बीएनसी चौराहे से होते हुए जोधपुर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाटे और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने आम जन से देशभक्ति के इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने की अपील की है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल मेघवाल भी उपस्थित होंगे। मानव श्रृंखला से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।